इंटरव्यू मेरा बहुत हैप्पी था सिंस माय नेम इज मुस्कान. सो स्टार्ट ही इसी नोट पे हुआ था कि मुस्कान आर यू स्माइलिंग राइट नाउ. सो आई रिमूव माय मास्क एंड आई शोड देम कि यस मैं स्माइल कर रही हूँ. और वो एंड भी इसी नोट पे हुआ था. जाते जाते उन्होंने मुझसे फिर पूछा लाइक आर यू स्टिल स्माइलिंग. सो आई सेड यस सर आई स्माइल ऑल द टाइम. सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी हैप्पी इंटरव्यू फॉर मी. और बहुत ही नॉर्मल था. जैसे मेरे कॉमर्स बैकग्राउंड से ऑप्शनल से काफी क्वेश्चंस थे. होम स्टेट से रिलेटेड लाइक माय होम स्टेट इज हिमाचल प्रदेश. उससे रिलेटेड द चैलेंजेस विच वी फेस इन द स्टेट क्या बेटर कर सकते हैं. माय होम टाउन इज एन इंडस्ट्रियल एरिया. इट्स द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल हब इन एशिया बद्दी इफ यू नो. सो उस पे काफी सारे क्वेश्चंस थे कि व्हाई इंडस्ट्रीज आर देयर इन माय रीजन. सो इट वाज अ मिक्स इंटरव्यू. दोस्तों, वन ऑफ द की टू सक्सेस इज कंसिस्टेंसी. हे एवरीवन, वेलकम टू कैमोमाइल टी विद टॉपर्स, एन इनिशिएटिव बाय अन एकेडमी. आई एम अमन शर्मा, वन ऑफ द एजुकेटर ऑन एकेडमीज यूपीएससी प्लेटफॉर्म. और आज हमारे साथ हैं AIR 87 यूपीएससी सीएससी 2019 मिस मुस्कान जिंदल. और मुस्कान जी की जो जर्नी है वो बहुत ही अमेजिंग है. हम लोग मुस्कान जी से कनेक्ट करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे. Hi Muskan, how are you? Hi, I am good. Thank you. Thank you for asking. First of all, my heartiest congratulations on this big achievement. और जितने भी हम लोगों के साथ हमारी अनअकैडमी की टीम है और जो लर्नर्स हैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. Thank you so much. Thanks for having me today. So, like, tell me something about ki what was your success mantra? My success mantra was really simple. You won't believe it, but I had decided this from my childhood only that this is what I want to do, and I kept my focus very clear. Like I did not get distracted by other career options or something, and I maintained that positive bent of mind all throughout. I did my 100%, and some days were there when I would care about the results. But over the time, I realized ki results ke bare mein itna tension nahi lena chahiye. Whatever we do, hum apna agar 100% denge, to surely sooner or later hume success milega. That's really great. So ye jo journey hai, UPSC ki jo journey hai, it's like really with a lot of ups and downs. And so how did you manage, like, while preparing and while the preparation? Because आपने जो अपनी जर्नी है वो काफी, मतलब आपके बचपन का, जैसे आपने बताया कि आपका सपना था इस एग्जाम को क्रैक करना. एंड मैं अपने लर्नर्स को एक और चीज बताना चाहूंगा कि मुस्कान क्रैक दिस ग्रेट एग्जाम इन लाइक इन दिस फर्स्ट अटेम्प्ट. सो यस, मतलब एक जर्नी होती है. आप 2 to 3 years अपनी लाइफ के लिए दे रहे हैं इसके लिए, एग्जामिनेशन के लिए. तो बहुत सारे दिन होते हैं जब आप यू फील लाइक लो ऑन मोटिवेशन, यू डोंट फील लाइक स्टडिंग एट ऑल. सो मेरा यही रहता था कि आई यूज टू बैलेंस माई सोशल लाइफ एंड बिटवीन माई एडुकेशन. तो यही था कि अगर वीक में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आई वुड स्टडी 6 days बहुत अच्छे से होल हार्टेडली. बट संडेज आई वुड कीप फॉर माई सेल्फ कि जो मुझे करना है आई वुड डू दैट. आई विल गो फॉर अ मूवी और स्पेंड टाइम विद माई फैमिली. सो दिस वुड बी देयर. ये मेरे लिए काइंड ऑफ अ रूटीन बन गया था कि संडेज आई वुड कीप. और फिर मंडे को जब आप व्हेन यू आर गोइंग अगेन फॉर स्टडी यू गो विद दैट 100% डेडिकेशन. सो दैट वेज आई मेंटेन माई कंसिस्टेंसी ऑल थ्रू आउट. दैट्स रियली गुड. So tell us something कि आपने जो अपनी तैयारी है, चाहे वो prelims की हो, mains की हो, और जो interview की तैयारी हो, उसको आपने किस तरीके से plan किया? मेरी strategy में एक चीज मैंने बहुत ध्यान रखी थी कि resources मैं अपने limited रखूं, because there are numerous resources for UPSC preparation. You can find online or offline as well. तो resources मेरे बहुत limited थे and I relied on revision. I revised like around thrice or maybe 4 times before giving the examination. So for prelims, I was preparing prelims cum GS before the prelims actually. So 2 months before prelims, I started preparing for prelims only. I completed my static portion and for current affairs, I refer to the consolidated year-round compilations which are available. I revised them thoroughly to complete my current affairs and I gave as much mock tests as I could.
So that was my strategy for prelims. Then for mains, after I was done with my prelims, I used to write answers before itself, before the prelims. I used to take up some past year questions and then I would refer it, about it, read about it, and then write the rough answer. And uske baad likhti thi. So starting mein maine essay karke answer writing karna shuru kiya tha. उसके कुछ दिन बाद लाइक अराउंड अ मंथ और टू आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं स्टार्टिंग से आंसर्स लिख सकूं विदाउट रेफरिंग प्रायर टू एनी ऑफ द टॉपिक दैट्स व्हाट आई डिड फॉर आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स के बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी बट अगेन आई कुड नॉट अटेम्प्ट मच ऑफ द टेस्ट बिकॉज आई वॉज वेरी मच कंफ्यूज अबाउट कम्प्लीटिंग माई कॉन्टेंट एंड सिलेबस एंड गिविंग द टेस्ट सो इन ऑल आई गेव अराउंड जस्ट 3-4 टेस्ट फॉर GS दैट वॉज बेसिकली फॉर मेन्स तो जैसे कि अभी प्रीलिम्स आने वाला है बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी बहुत ज्यादा परेशान हैं बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन बिकॉज क्वारंटाइन और बहुत सारी चीजें होती हैं जो इम्पैक्ट करती हैं सो ये चीज तो एक डेफिनेट है कि आपने जैसे बताया कि आपने 2 महीने के अंदर एक स्पेसिफिक प्रीलिम्स की तैयारी करी सो इन वट लाइक उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन जो जर्नी थी प्रीलिम्स की उसके अंदर आपने किन किन चीजों का रेफर किया या कौन कौन सी आपने वो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई उनको आपने टारगेट करने की कोशिश करी जिससे कि बाकी जो लोग हैं वो आपसे बहुत कुछ सीख सके सो आई गेव इम्पोर्टेंस टू ऑल द सब्जेक्ट्स मैंने लिस्ट बना ली थी कि उससे प्रीलिम्स के सिलेबस से लाइक दीज आर द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी एंशिएंट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री सब की लिस्ट एक बना ली थी आई एलोकेटेड डेज फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट लाइक स्टेटिंग स्टेटिक पोर्शन इतने दिन में खत्म करना है और करंट अफेयर्स का पोर्शन इतने दिन में खत्म करना है और मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं जितना भी सिलेबस पढ़ रही हूँ प्रीलिम्स के लिए मैं उसको एटलीस्ट 3 बार 3 बार रिवाइज करूँ अपने एग्जाम से पहले सो दैट क्या होता है कि प्रीलिम्स में बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ते हैं एंड ऐसे आपको पता होता है बट वेन यू सी इन देम इन द क्वेश्चन आप नहीं कई बार मेकआउट कर पाते हो सो इसीलिए आई थॉट कि रिविजन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लास्ट के डेज में आई डिड नॉट टेक अप एनी न्यू सोर्स जितना पढ़ा था उसको बार बार रिवाइज किया एंड लाइक कोई टेस्ट सीरीज आपने लाइक टेस्ट सीरीज की इम्पोर्टेंस यस आई गेव अ लॉट ऑफ टेस्ट 1 month बिफोर प्रीलिम्स आई वुड गिव टेस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे तो अराउंड 15 टेस्ट दिए थे लास्ट मंथ में मैं टाइम भी वही रखती थी टेस्ट का लाइक 9 to 11 AM हमारा प्रीलिम्स का पेपर रहता है तो वही टाइम स्केड्यूल उसके अकॉर्डिंग ही मैनेज करती थी और हाँ टेस्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे मुझे ये पता लगा कि मुझे एक्चुअली एग्जामिनेशन में अराउंड कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं मेरे क्वेश्चंस अराउंड 20 to 23 के रेशो में रॉन्ग हो जाते थे नो मैटर हाउ बेटर आई एम परफॉर्मिंग तो अबव 100 का स्कोर एक कम्फर्टेबल स्कोर रहता है प्रीलिम्स के लिए उसके लिए मैंने फिर प्लान किया था कि आई विल अटेम्प्ट अराउंड 80 to 85 क्वेश्चंस एंड दैट्स व्हाट आई डिड इफ आई रिमेंबर करेक्टली मैंने 83 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे प्रीलिम्स में जब भी हम लोग प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जो प्रीलिम्स के जो कि बच्चों के अंदर या लर्नर्स के अंदर एक अलग सा फियर या थ्रेट क्रिएट कर देते हैं लाइक आर्ट एंड कल्चर या हम लोग ज्योग्राफी की मैपिंग के बारे में बात करें या कुछ जो कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो करंट अफेयर आएंगे उनको कैसे डील आउट करेंगे सो लाइक हाउ डिड यू मैनेज दोस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आर्ट एंड कल्चर का फोबिया मुझे भी रहता था आई हैड दिस थिंग फॉर हिस्ट्री बहुत ज्यादा आई डिड नॉट यूज टू लाइक इट मच तो उसके लिए आई रेफर टू द 11th क्लास फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी वो बहुत अच्छे से मैंने कवर की थी एंड मोस्टली पीपल रेफर टू नितिन सिंघानिया की बुक बट वो मुझे बहुत लेंदी लगती थी सो आई रेफर वेरी फ्यू चैप्टर्स आउट ऑफ इट और स्टेट डांसेस और ये सब फेस्टिवल्स एंड ऑल इन सब के लिए आई रेफर यूट्यूब वीडियोस आई सॉ सम गुड कंटेंट ऑन यूट्यूब एंड उसी के थ्रू मैंने रिवाइज किया था एंड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई डिड नॉट गो बियॉन्ड करंट अफेयर्स स्टेटिक जो कॉन्सेप्ट्स थे वो एनसीईआरटी से क्लियर करके आई रेफर टू द करंट अफेयर्स इंटायरली उसके पीछे आगे पीछे कुछ नहीं किया था यूपीएससी की जर्नी में सबसे चैलेंजिंग पोर्शन होता है करंट अफेयर्स मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से समझा है कि अगर करंट अफेयर्स को बेसिक सेलिंग कर दिया जाए तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की तैयारी आसानी से हो जाती है पढ़िए मेरे साथ और न्यूज़पेपर एनालिसिस कवर करें एक आसान तरीके से मैं हूं अमन शर्मा और मैं यूपीएससी सीएससी के लिए अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बीट प्रीलिम्स और मेंस बिकॉज जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं यू नीड
need to build that base. Even though आपने स्कूल में वो सब पढ़ा हुआ है, but then again you have to start with the mindset of clearing that examination or UPSC के syllabus के according आपको पढ़ना रहता है. तो NCERT's base clear करने के लिए it is very important to start with the NCERT's itself. Okay. ग्रेट. और कुछ जो बेसिक अपने नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में एंड मोर स्पेसिफिकली लाइक करंट अफेयर्स को किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया? करंट अफेयर्स के लिए मेरी स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा सिंपल थी. लाइक आई वुड स्टार्ट माय डे बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर. मोस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट आई रेड द हिंदू एंड सम टाइम्स आई वुड रीड द इंडियन एक्सप्रेस एज वेल अलोंग विद द हिंदू. एंड देन आई रेफर्ड द कंपाइलेशंस. I did not refer to much of the online sources like Daily News, which is available on many of the websites. मैंने बहुत limited से resources रखे थे और compilations I would revise very thoroughly. Okay, and like, let us move on to the next stage, like the mains examination. Like how did you prepare between the prelims result and the mains examination? So जो वो 3 months का time period होता है, it's very tense because around 1 month तो अलग ही ज्यादा रिजल्ट आने में एंड यू आर सो कंफ्यूज्ड कि प्रीलिम्स की तैयारी वापस करें या मेंस की तैयारी करें. सो व्हाट आई डिड वाज आई रेफर टू द सब्जेक्ट सच एज माय ऑप्शनल एथिक्स और एसे बिकॉज दीज आर द सब्जेक्ट इन मेंस जो एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं. जीएस में यू विल सी मोर और लेस सबके ऑलमोस्ट इक्वल से ही मार्क्स रहते हैं. यही सब्जेक्ट्स होते हैं आपका जो स्कोर ऊपर लेकर जाते हैं. सो आई रेफर टू दीज सब्जेक्ट्स और इनकी मैंने तैयारी स्ट्रॉन्ग कर ली थी जब तक मेरा रिजल्ट आया था. तो आपने जब नोट मेकिंग अपनी चालू करी तैयारी के अंदर, तो आपने जैसे मेंस के एग्जामिनेशन के हिसाब से जीएस 1, 2, 3, 4 के मतलब नोट्स अलग अलग प्रिपेयर किए या फिर एक इंटीग्रेटेड नोट सोर्स करके फिर बाद में सेग्रीगेट किया? So, मैं बहुत ज्यादा नोट मेकिंग नहीं करती थी बिकॉज व्हाट आई फील इज कि द नंबर ऑफ टाइम्स आई रीड फ्रॉम अ बुक आई विल गेट टू नो समथिंग मोर अबाउट इट. बिकॉज कितनी बार क्या होता है कि हम बहुत सारे फैक्ट्स छोड़ देते हैं फर्स्ट रीडिंग में, फिर सेकंड रीडिंग में वो सामने आते हैं, थर्ड रीडिंग में आपको कुछ और पता लगता है. तो नोट्स मैंने बहुत क्रिस्प बनाए थे कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले अगर आपको रेफर करने हो पूरी रिविजन के लिए तो वैसे ही नोट्स मैं बनाती थी. ऐसे बहुत डिटेल्ड नोट्स मैंने कभी नहीं बनाए. So your optional was like commerce and accountancy. So बहुत ही मतलब जो लोग जो even commerce background से भी होते हैं उनको भी थोड़ा confusion होता है कि हम ये optional के साथ आगे बढ़ें या ना बढ़ें. Yes. We should choose like some of the optional. So आपने एक तो optional की choice अपनी कैसे करी and how did you like आपने resources के बारे में कैसे समझा और जो पहले experience हैं आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी अब like जो commerce background से रखते हैं जो confused हो जाते हैं इस optional के बारे में? So I've seen बहुत सारे बच्चे optional subject choose करने के लिए they see कि if the optional is scoring or not or some other considerations कि क्या trend चल रहा है marks का. My only consideration was that I should be interested in the subject. So I did my graduation in BCom honors. Commerce and accountancy के concepts already clear थे. So I went for that only. It's very important. अगर एक बार आप optional choose कर लें, you need to stick to it. आपको second doubts नहीं होने चाहिए. Because अगर second doubts हो जाते हैं, तो वहाँ पे सब गड़बड़ हो जाती है. So I stick to my optional. I prepared well, and I believe कि अगर कोई भी optional subject है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो you will definitely score good. So that was my basic consideration. And for the resources, I did not went beyond. These famous notes are available. Rankers notes, if you may know. So, उनके अलावा कुछ नहीं पढ़ा था. These notes are very consolidated और preparation बहुत अच्छे से हो जाती है. So, I referred those. Okay. So, Muskan, जब हम ये session start कर रहे थे, I talked about consistency. And आपकी जो journey है, वो बहुत ज़्यादा consistent रही है. Like since your school days to the college. You were one of the toppers. So, वो जो consistency है, उसने आपको कितनी मदद करी यहाँ तक मतलब इस exam को crack करने में? It helps a lot because you have that habit of you know long sitting hours. वो school time से ही मेरी habit थी कि पढ़ना है. और UPSC preparation में भी you need to give it a lot. Like दिन के आप 8-9 घंटे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं. बट वही अगेन आई विल से कि मैं बैलेंस कर लेती थी चीजों को बिकॉज इट हम भी ह्यूमन बीइंग्स इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक ही चीज करते रहें. बहुत डल हो जाती है फिर जर्नी आपकी. तो पूरा दिन भी अगर मैं अपना प्लान करती थी तो मेरा यही रहता था कि कुछ टाइम मैं अपना फैमिली टाइम निकाल लूँ. मेरी जॉइंट फैमिली है सो आई लव टू सिट विद माई फैमिली.
सो ये रहता था सुबह अपना पढ़ने के बाद पूरा निकाल कर रात को कंपाइल करके अपनी स्टडीज अराउंड 8 o'clock आई वुड गो डाउनस्टेयर्स. मैंने रूम अपना एक बहुत आइसोलेटेड रूम रखा हुआ था कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो पूरी फैमिली से. सो आई वुड गो डाउनस्टेयर्स 2-3 घंटे बैठकर दैट वे आई यूज्ड टू स्टडी. तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज इम्पोर्टेंट. सो मुस्कान, मेंस के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम लोग जब अपनी तैयारी के अंदर मिस आउट कर देते हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, या जैसे फॉरेन अफेयर्स को बहुत सारे लोग मिस आउट कर देते हैं जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल नहीं होता है, या एथिक्स वाला जो पार्ट हो गया, या केस स्टडी वाला पार्ट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट हो गया. वे सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि एक बहुत ही इग्नोरेंस के रूप में, मतलब सोचते हैं कि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद वी विल प्रिपेयर इन अ वेरी फास्ट मैनर. सो आपने जो ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी तैयारी आपने कब? मैंने प्रीलिम्स से पहले भी की थी इनकी तैयारी. आई थिंक इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इवन इफ 2-3 questions आ रहे हैं, बट यू हैव टू अटेम्प्ट लाइक 20 questions. और अगर आप एक भी छोड़ देंगे तो फिर आपके स्कोर में पूरा ही डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, आप एक एक दो दो नंबर से रह जाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दें. सो प्रीलिम्स से पहले ही की थी मैंने इनकी तैयारी, और प्रीलिम्स के बाद जैसे मेंस की डेडिकेटेड तैयारी थी उसमें भी आई इंक्लूडेड देम इन माय प्रिपरेशन. व्हाट वाज योर लाइक फेवरेट सब्जेक्ट? माय फेवरेट सब्जेक्ट आई वुड से वाज इकोनॉमिक्स, बिकॉज आई एम वेरी आई लाइक इकोनॉमिक्स वेरी मच. स्कूल टाइम से आई हैड दिस लाइक इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. यस. एंड लेट अस स्टार्ट लाइक समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स, बिकॉज कुछ लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देते हैं. सो हिस्ट्री के अंदर मतलब व्हाट वाज योर मेन थिंग? हिस्ट्री. हिस्ट्री इनिशियली मुझे बहुत मुश्किल लगती थी बिकॉज आई वाज नॉट मच इंटरेस्टेड इन रीडिंग हिस्ट्री, बट एज आई स्टार्टेड रीडिंग आई डेवलप्ड दैट इंटरेस्ट. एंड फॉर हिस्ट्री मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज रेफर की थी क्लास प्लस वन और प्लस टू की, बोथ फॉर ancient and medieval history, and for modern history along with the NCERTs I did spectrum. So that was my resources for history. Geography I did not go beyond NCERTs and GC Leong, and mapping exercise maine bahut acche se ki thi, bahut detailed. At least like room mein bhi maine map wagera lagaya tha, so I would look at it randomly kabhi bhi aise breaks ke between mein, aur at least saath mein rakhti thi hamesha. Agar aap newspaper bhi padh rahe hain, I would look ki wo kaun sa area hai jo news mein chal raha hai, aas paas kya geographical cheeze hain. So it's important ki aap mapping exercise bahut acche se kare, diagrams wagera practice karte rehti thi main, because if you include diagrams, flowcharts in your answers, wo attractive ban jata hai examiner ke liye bhi, aur aap zyada acche se apna point explain kar pate hain. आपकी इस वाली लाइन से अपने आप में दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पिकअप हुए. एक तो क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने अभी बताया कि आपने करंट अफेयर्स से जो मैपिंग की जो लोकेशन है उनको पिक आउट किया और फिर लोकेट करने की कोशिश की, एक तो करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. और जो दूसरा पॉइंट अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब आपने ज्योग्राफी के बारे में बात करी कि उसके अंदर एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है ना, ये दो चीजें हैं. तो लाइक करंट अफेयर्स को बेसिक से जो आपने लिंक किया वो उसने आपको कितनी मदद की? इट हेल्प्स अ लॉट, नॉट जस्ट फॉर ज्योग्राफी. मेनी अ टाइम्स यू वुड सी कि कोई एनिमल इन न्यूज है, आई मेड दीज नोट्स, वेरी शॉर्ट नोट्स, एनिमल इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज. सो मैं लिखती रहती थी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में आ रहा है, कौन सी रिवर पास कर रही है उस सेंचुरी से, तो ये सब की शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में बनाती रहती थी, स्क्रिबल करती रहती थी और उनको टाइमली रिवाइज कर लेती थी, सो दैट आपके दिमाग में रहे एंड इफ एंड व्हेन क्वेश्चन कम्स आप मार्क कर सकते हो. लेट्स टॉक अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स. So for economics, mere basics clear the, so I did not have to thankfully refer to any of the basic books. NCERTs I had already done with heart in my plus two, so basics were very much clear. And for UPSC preparation, I referred to some of the notes, like there is Sri Ram IAS notes which are available for economics. I referred those notes for that subject. And for polity? For polity, after completing the NCERTs, I did M. Lakshmikant nicely. Uske alawa D.D. Basu and all that, I did not touch them at all. Like I said earlier, ki bahut hi basic resources rakhe the and I relied ki wapas achche se revise karte rahun. Yehi bas basic tha.
बुक लिस्ट अगर आप देखेंगे बहुत सिंपल थी मेरी, जो सबको पता है, सब एस्पिरेंट्स को पता है, सब ऑलमोस्ट ऑल दी एस्पिरेंट्स रेफर टू दीज बुक्स. व्हाट थिंग वाज डिफरेंट वाज कि मैंने रिवीजन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया था. ओके, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिवीजन इज द की एंड यू क्रैक दिस एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. And please tell us about the strategy, like how you divided, like कि मैं इतने time revise करूँगी, इतना time मेरे को इस subject को prepare करने में लगेगा. How did you like manage all these things? I feel like कि अगर आपको first attempt में crack करना, it's very important कि आप exam की requirement को समझें. Because I've seen people एक दो attempts लग जाते हैं समझने में कि exam की क्या requirement है या क्या syllabus है आपका. So I started with that. I understood कि क्या पूछते हैं और कैसे है. So I मेरी strategy ये थी कि मैं एक subject एक time पर लेती थी, उसको अच्छे से complete करने के बाद I would move on to the next subject. Suppose I started with geography. So first reading I would give to all the NCERTs. जैसे from class 9 to plus 2 I referred NCERTs for geography. First reading के बाद I refer to the previous year question papers for prelims and mains. It is very important to refer previous year question papers. आपको examination की demand समझ में आ जाती है और जब भी आप कोई topic पढ़ रहे होते हो आपको पता लगता है कि इस topic को किस way से पढ़ना है या कैसा question frame हो सकता है इस topic से. So previous year questions देखने के बाद I would give second reading of that NCERTs. And only when जब मेरा base clear हो जाता था, I would feel like कि अब NCERTs properly हो गई हैं, I moved to the standard books. ये मेरा हर subject का रहता था. And I did not take up many subjects at a time. मुझे ये लगता था कि एक subject अच्छे से खत्म करके then only I'll move on to the next subject. और अपना progress gauge करने के लिए मैं sectional test attend करते रहती थी prelims के. जैसे particular NCERT based test available रहते हैं, which are also integrated with the current affairs. So ऐसे test में solve करते रहती थी. थोड़ा interesting भी बनी रहती है आपकी preparation. आपको पता लगता रहता है कि आप कहाँ stand कर रहे हो, कहाँ lag कर रहे हो. So that was my strategy. So आजकल डिजिटल इंडिया का एरा चल रहा है एंड एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है टेक्नोलॉजी का यूज. सो टेक्नोलॉजी का यूज कितना इम्पोर्टेंट है, लाइक इतना डायनामिक होता जा रहा है एग्जाम, तो टेक्नोलॉजी का यूज कितना इम्पोर्टेंट हो गया? इट इज वेरी इम्पोर्टेंट. यूजुअली हम क्या देखते हैं ना कि फोन को हम डिस्ट्रैक्शन मानते हैं, बट मेरा ऐसा होता था कि मैं फोन के बिना पढ़ ही नहीं सकती हूँ, बिकॉज आप पढ़ते पढ़ते आपको कुछ गूगल पे सर्च करना है. सो फोन मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं था. इट आई से कि बहुत हेल्प किया है टेक्नोलॉजी ने मुझे प्रिपरेशन में. एंड हाउ डिड यू फाइट लाइक ऑल द डिस्ट्रैक्शंस जो लाइक गूगल के साथ साथ और जो डिस्ट्रैक्शंस है, उनको कैसे मैनेज आउट किया? I did not fight them. I managed them. मतलब I did not leave my Instagram or anything. I was very much active on social media अपने preparation के time पर भी. I used to manage कि जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, but दिन में थोड़ा time उसके लिए भी रख लेती थी कि ठीक है, because this is I feel कि आजकल सबके लिए बहुत important हो गया and you need not to leave these things behind. अगर आप manage कर सकते हो it's very great. एक चीज और, आपका जो प्लान था आपका फर्स्ट अटेम्प्ट देने का वो 2018 में था, बट बिकॉज ऑफ द एज एलिजिबिलिटी आपने वो वाला एग्जाम मिस आउट किया एंड इन 2019 यू गेव योर फर्स्ट अटेम्प्ट. यस, तो वो जो 2018 वाला अटेम्प्ट था जब आप प्लान कर रही थी, लाइक उसके बाद आपने किस तरीके से, मतलब आपने कैसे मैनेज किया सब चीजों को? तो मेरी ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हो गई थी, बट आई वाज ओनली 20 बैक देन. आई कुड नॉट गिव द एग्जाम. सो मैंने तैयारी भी उसी तरह की थी. मुझे पता था मैं एग्जाम तो नहीं दे सकती हूँ. कॉलेज के साथ साथ मैंने अपना मेजर पोर्शन लाइक बेसिस क्लियर कर लिए थे. देन वन ईयर आई डिड नॉट गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन और एनीथिंग एल्स, बिकॉज आई बिलीव कि अगर करना है तो अच्छे से आपको लगाना पड़ेगा एक साल तो यूपीएससी प्रेपरेशन में. So I prepared dedicatedly for UPSC. एक साल बहुत अच्छे से prepare किया and I think it helped me a lot. वो जो gap था 1 year का, it was very crucial for my selection in the first attempt itself. Like you were one of the top in your college also, और उसके साथ साथ आपने UPSC की तैयारी भी चालू कर दी. Yes. बहुत सारे aspirants जिनके ख्वाब होता है इस exam को crack out करना, वो इसी चीज को सोचते हैं कि हम पहले अपनी ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे. कुछ लोग बीच में भी कर देते हैं बट लाइक वो कंसिस्टेंसी वो नहीं रह पाती. सो आपने उस टाइम को कैसे मैनेज किया? लाइक आपने स्टडीज को भी इतनी अच्छे तरीके से मैनेज किया, देन द एग्जाम प्रिपरेशन आल्सो.
कॉलेज अराउंड लाइक 1 or 2 o'clock तक आपका कॉलेज रहता है मोस्टली, तो मेरा भी ऐसे ही था. सो आफ्टर कॉलेज से आने के बाद अराउंड 3 to 4 hours आई वुड गिव फॉर यूपीएससी प्रेपरेशन. एंड कॉलेज की पढ़ाई साथ साथ मैनेज हो जाती थी, मतलब इट वॉज नॉट मच डिफिकल्ट अगर कॉलेज में हम अच्छे से वी आर अटेंडिंग द लेक्चर्स. और एग्जाम्स से पहले बहुत अच्छे से, लाइक जब कॉलेज एग्जाम्स होते थे उसके अराउंड 15-20 डेज पहले आई वुड प्रिपेयर नाइसली फॉर दोज एग्जाम्स, एंड हो जाती थी प्रिपरेशन, मैनेज हो जाता था उस बीच में. सो मुस्कान, एक बहुत एक मिथ रहता है कि जो टॉपर्स हैं वो पूरा पूरा दिन पढ़ते होंगे और पूरा पूरा दिन लगे रहते होंगे लाइक विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस ना. तो अभी जैसे अभी आपने अपने बारे में बताया कि यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली और फिर लाइक सोशल मीडिया एंड ऑल अदर थिंग्स, सो इस मिथ को आपने कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट जरूर दिया है, इसके बारे में आप क्या विचार रखने चाहेंगे? So I always say this thing. मुझे अभी भी there are many younger aspirants जो पूछते हैं like how many hours you used to study. तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि it totally depends on you. मैं ये feel करती हूँ कि मेरे लिए बाकी चीजें भी काफी important है, मैं सिर्फ पढ़ाई तो नहीं कर सकती हूँ, तो मैं manage कर लेती थी. It's very important to balance things out. अगर आप पढ़ते ही रहोगे तो फिर आपको एक point पे आके लगेगा आप इतने fatigue हो जाएगा आपको, और अभी लगेगा कि यार इतने टाइम से पढ़े ही जा रहे हैं, कुछ और जिंदगी में कर ही नहीं रहे हैं. सो दैट वेज आई यूज टू मैनेज. और पूरा दिन नहीं पढ़ती थी मैं, लेकिन जब पढ़ रही होती थी तो वो सिर्फ पढ़ाई के लिए होता था. सो ऐसे आई यूज टू मैनेज. उसका ना आपने गोल अचीव किया, एंड एक बहुत ही सुंदर कहावत है कि गोल जो होता है उस और उस गोल को अचीव करने के बीच में जो जर्नी होती है उसमें हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं. And I really want to ask कि वो जो जर्नी है प्रिपरेशन की उसमें आपने क्या क्या नई नई चीजें सीखी? Initially जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी I did not have that positive bent of mind. मैं बहुत ज्यादा टेंशन लेती थी अबाउट माई रिजल्ट की, पता नहीं होगा नहीं होगा, कर तो रहे हैं. तो ओवर द टाइम आई रियलाइज कि ये कुछ चीजें हैं, आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. सो उन चीज की कंसिडरेशन छोड़ देनी चाहिए, आप बस अपना जो कर सकते हो आप उसमें 100% दीजिए, एंड दैट वेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाएगी और आप ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई लर्न ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन. देयर मस्ट बी सम ऑफ द लोस एंड सम ऑफ द हाइज इन द प्रिपरेशन. यस देयर वर. आई विल शेयर वन पर्टिकुलर थिंग. तो मेंस से पहले लाइक अराउंड 20 डेज पहले मुझे ऐसा हो गया था लाइक आई वुड वोंट गिव मेंस दिस ईयर. मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो गई थी. आई फेल्ट कि प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय सिलेबस, तो नहीं देना चाहिए शायद अटेम्प्ट इस बार. आई डिस्कस विद माय फैमिली एंड दे वर ऑल लाइक कि आपको अटेम्प्ट आपका काउंट तो हो गया है, तो आप अटेम्प्ट दो, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना. सो आई हैड दिस माइंडसेट कि चलो ठीक है, आई विल गिव माय बेस्ट. एंड सो बहुत ही लो टाइम था वो इस पूरी प्रेपरेशन में, बट देन आई वुड से उन 20 डेज में आई वर्कड अ लॉट ऑन माई सेल्फ. आई वो टाइम था जब मैंने अपनी प्रेपरेशन में अराउंड 15-16 आवर्स दिए हैं स्टडी के लिए. एक वही टाइम था, अदरवाइज आई वुड स्टडी अराउंड 7-8 आवर्स डेली. एंड हाउ लाइक हाउ डिड योर फैमिली एंड योर पीयर ग्रुप हेल्प यू अप? माय फैमिली हेल्प मी अ लॉट, स्पेशली माय ग्रैंडफादर. I have this great bond with him. So he used to prepare my schedule actually. He would come and sit with me. Dekhte the ki kitna syllabus tumhara complete ho gaya. He would discuss. Schedule banane mein help karte the. Daily routine set karwate the. So it's been great for me. The support from my family, my friends. Tell us something about your interview. इंटरव्यू मेरा बहुत हैप्पी था. सिंस माय नेम इज मुस्कान, सो स्टार्ट ही इसी नोट पे हुआ था कि मुस्कान आर यू स्माइलिंग राइट नाउ. सो आई रिमूव माय मास्क एंड आई शोड देम कि यस मैं स्माइल कर रही हूँ, और वो एंड भी इसी नोट पे हुआ था. जाते जाते उन्होंने मुझसे फिर पूछा लाइक आर यू स्टिल स्माइलिंग, सो आई सेड यस सर आई स्माइल ऑल द टाइम. सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी हैप्पी इंटरव्यू फॉर मी, और बहुत ही नॉर्मल था. जैसे मेरे कॉमर्स बैकग्राउंड से ऑप्शनल से काफी क्वेश्चंस थे, होम स्टेट से रिलेटेड, लाइक माय होम स्टेट इज हिमाचल प्रदेश, उससे रिलेटेड द चैलेंजेस व्हिच वी फेस इन द स्टेट, क्या बेटर कर सकते हैं. माय होम टाउन इज एन इंडस्ट्रियल एरिया, इट्स द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल हब इन एशिया बद्दी इफ यू नो. सो उस पर काफी सारे क्वेश्चन थे कि वाई इंडस्ट्रीज आर देयर इन माई रीजन. सो इट वॉज अ मिक्स इंटरव्यू एंड इट वॉज काइंडली वेरी हैप्पी फॉर मी. इंटरव्यू वॉज लाइक इन जुलाई.
Yes. And it was like a very hectic time, like वो क्वारंटाइन सिचुएशन एंड कोरोना सिचुएशन. Yes. तो उन सब चीजों को कैसे मैनेज आउट किया? When I came to know कि 28 जुलाई को मेरा इंटरव्यू है. So I was worried कि कोविड है और कैसे मैनेज करेंगे. You need to take a lot of precautions. So my father motivated me कि it's okay. This opportunity you've got, people don't get even this opportunity. आपको कोविड में भी है, but you need to give your best. So I maintained that positivity and I took all the precautions which we need to take in this time, and that was there. So Muskan, जैसे कि current affairs एक बहुत important portion हो जाता है, और newspapers के अलावा भी बहुत सारे sources आते हैं, जैसे magazines हो गई, योजना हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, बहुत सारे लोग और भी magazines पढ़ते हैं, जैसे EPW, Down to Earth, yes, and Science Reporter. So उन सब चीजों के बारे में आपके क्या विचार? I refer to some of these magazines like Yojana in Kurukshetra, but not for every month. Special editions like Economic Survey, Budget, I covered from these magazines. काफी अच्छा content रहता है और summarize बहुत अच्छे से किया होता है इन magazines में. So for that I referred Yojana in Kurukshetra. For current affairs, one more source I referred, which I forgot to tell. It was the big picture which is available on Rajya Sabha TV. Mains में बहुत help किया था because you get the broad perspective of each and every topic which they cover in the big picture. So that was there. मतलब monthly योजना जो होती हैं, उनकी जगह आपने जो special editions आते हैं, आपने उनको ज़्यादा focus में रखा. Yes. And if we talk about the newspaper editorials, क्योंकि कुछ जगह पर बच्चे क्या करते हैं, वो editorials को first day से ही main answer writing का part लेना start कर देते हैं. They don't understand कि जो एडिटोरियल है वो न्यूज के ही बैकग्राउंड से ही फ्रेम आउट हुए हैं. दे कैन गिव यू अ प्रोस्पेक्टिव जो कि सिर्फ एक एडिटोरियल प्रोस्पेक्टिव है. यू नीड टू एनालाइज इट आउट एंड गिव समथिंग एल्स. सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? लाइक एडिटोरियल के डेली नोट्स बनाते थे या कैसे आप उनको डिजाइन करते थे? आई डिड नॉट मेक नोट्स फ्रॉम एडिटोरियल्स. अगर कोई बहुत अच्छा एडिटोरियल होता था एंड आई वुड फील लाइक कि इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, सो आई वुड मेक अ क्वेश्चन माईसेल्फ और कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आई वुड जॉट डाउन. अदरवाइज कोई बहुत अच्छा डेटा गिवन होता था एडिटोरियल्स में रिलेटेड टू वुमेन और हेल्थ एडुकेशन, सो वो मैं जॉट डाउन कर लेती थी. बिकॉज समटाइम्स व्हाट इज देयर कि एडिटोरियल्स कभी कभी बहुत बायस्ड हो जाते हैं, यू डोंट गेट द ट्रू ओपिनियन. सो आई वुड बैलेंस इट आउट, एडिटोरियल्स भी पढ़ लिए एंड देन आई वुड सी दैट राज्यसभा टीवी बिग पिक्चर, और आपको गवर्नमेंट का भी पर्सपेक्टिव पता लग जाता है, एंड दैट वेज आई वुड फॉर्म एन बैलेंस्ड आंसर फॉर माईसेल्फ. For those thought building, you referred to some of the other things, मतलब हिंदू के अलावा और कोई editorial section किसी और newspaper का? Yes, the explained page on Indian Express. I feel it's great. कोई भी hot topic अगर चल रहा होता है news में, so they try to cover it comprehensively on that page. So that page I used to refer. Well said. I think this is one of the like greatest combo of current affairs, like the Hindu and the explained page of the Indian Express. Yes, yes. Really. Let us talk about essays. Like essay writing is like with phobia बन जाता है कि essay में हम लोग कैसे करेंगे. एक content का बहुत ज़्यादा हो जाता है कि अगर लिखने बैठे हैं तो 1,000-1,500 words लिख लिए, but how will we go like beyond that? उसके आगे हम लोग कैसे जाएंगे? So वो जो एक restriction of thought है, उसको कैसे आपने manage out किया? Essay की writing आपने कैसे करी? किस तरीके से design किया? फॉर द कंटेंट पार्ट, जब भी ऐसे में चूज करती थी लिखने के लिए, सो आई वुड जॉट डाउन थोड़ी ब्रेन स्ट्रॉमिंग अराउंड 15-20 मिनट्स फॉर ईच पार्ट, पार्ट ए एंड बी कर लेती थी. आई वुड टेक डाउन पॉइंट्स इफ आई वुड फील कि अच्छे से 10-20 पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं जिनको मैं इलैबोरेट कर सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, देन ओनली आई वुड चूज दैट टॉपिक, अदरवाइज आई वुड गो टू द नेक्स्ट वन. सो ऐसे रहता था टू ओवरकम द कॉन्टेंट थिंग. एंड स्ट्रैटेजी ऐसे के लिए ये थी कि किसी कोड से या किसी शॉर्ट पोएम एनेक्डोट से आई वुड स्टार्ट माय एसे जहां पर रेलेवेंट लगता था. एंड डेटा के लिए मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लिए थे, सपोज एडुकेशन में, हेल्थ में, एंड उनका डेटा बैंक बना लिया था. कोई रीसेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे वुमेन के लिए जेंडर गैप रिपोर्ट रहता है, ऐसे करके कुछ डेटास बना लिए थे. एंड कोड्स ले ली थी रेलेवेंट, एनवायरमेंट के लिए कुछ कोड्स, सो दैट मैं एसे जब लिखना हूँ उनको इंक्लूड कर सकती हूँ. So that was my basic strategy for essay writing. जब भी हम लोग मेंस आंसर राइटिंग के बारे में बात करते हैं और एनालाइज करते हैं कि वो धीरे धीरे ही एक वो प्रोग्रेस आगे बढ़ती है मेंस के अंदर, तो आपको वो एक चीज कौन सी लगी आपको जो समझ में आई
कि हाँ ये वाली चीज मिसिंग हो रही है, अगर मैं इस चीज को इम्प्रूव कर दूंगी तो मेरे जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं. तो व्हाट वाज दैट वन? व्हेन वी लुक एट द क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रेम्ड इन नेम्स, बहुत सारे सब पार्ट्स रहते हैं. सो एज आई स्टार्टेड राइटिंग द आंसर्स, आई रियलाइज्ड कि मैं कुछ सब पार्ट्स पे मिस कर रही हूँ या कंफ्यूजन इतना अच्छा नहीं जा रहा है. तो आई डिसाइडेड कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करके आई ट्राइड कि ईच एंड एवरी सब पार्ट आई आंसर करेक्टली, और कंक्लूजन काफी बैलेंस्ड होना चाहिए. आई वुड इंक्लूड सम ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स इन कंक्लूजन, उससे आंसर काफी अट्रैक्टिव बन जाता है और एक फ्यूचरिस्टिक सा रहता है. सॉल्यूशन प्रोवाइड, सजेशंस आप दे सकते हैं कंक्लूजन में. सो ये रहता था. सो मुस्कान, आपकी जो प्रिपरेशन रही है वो आपने अपने घर पे ही रह के करी है ना? Yes, for the most part of it. बीच में मैं थोड़ा गई थी एक 1-2 months के लिए दिल्ली for the test series. But I could not, I was very homesick, so I came back. फिर मैंने remaining test घर से लिखे थे. So मतलब सवाल मेरा वही है कि बहुत सारे जो learners है वो ये सोचते हैं कि घर पे रह के किस तरीके से पढ़ाई हो सकती है, we should move out, we should go somewhere. So how, like, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? It's great if you can move out, अगर आपको बाहर अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए. बट फॉर मी इट ऑलवेज वर्क्स फॉर मी एट होम ओनली, बिकॉज आई यूज टू फील वेरी होमसिक जब मैं बाहर जाती थी. एंड आई फील कि अगर घर पे रहते हैं तो पेरेंट्स का भी थोड़ा मोटिवेशन रहता है, दे एनकरेज यू. एंड अगेन इफ यू हैव फेथ इन योरसेल्फ, तो आप कहीं भी रहें, बाहर रहें या घर पे रह रहे हो, आप प्रिपेयर अगर बहुत अच्छे से कर रहे हो तो हो जाए. ओके ग्रेट. सो मुस्कान, इतनी सारी हम लोगों ने बातें करी, अब कुछ ऐसी बातों पे आते हैं जो कि रैपिड फायर राउंड है, हमारे शो का सबसे स्पेशल राउंड है. सो नीड टू गेट रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर राउंड. सो आर यू रेडी फॉर लाइक 5 रैपिड फायर क्वेश्चंस? यस. ओके ग्रेट. सो व्हाट आर यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट दीस डेज? I think shopping. I'll be doing a lot of shopping. That's really great. So, if you had one superpower, what would it be? I think it would be great if I'll be able to read the mind of other people. Like if I'm talking to someone, what the other person is thinking, that would be great. Nice. And if you could have coffee with someone from your past, like who would it be? I cannot think of some particular person for this. Okay, nowadays, like. Nowadays, that would be like my favorite actor is Deepika Padukone, actress. So that would be great. Great. And like, did you pick like any recent hobby these days? Yes, not these days, but from the past few months, I started doodling. So mandal doodling is a kind of art form. I started doing that. Okay, great. And like, what is the most proudest moment till now? I think the day of my result, when I saw my mom and dad's face, they were very happy. I think that's the proudest moment. Okay, and let's add one special question in this also. So Muskan, your one of the hobbies is singing. And yes. I would really love to hear it from you. Okay, all right. So there's this song by Kishore Kumarji. He's my favorite singer. So Chalte Chalte, I'll sing a few lines from that song. Chalte Chalte, mere ye geet yaad rakhna, kabhi alvida na kehna, kabhi alvida na kehna. रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. It was really wonderful. It was. Thank you. So, Muskan, it was really great to have you here. And one of the last few words you want to say to all the fellow aspirants? I've been saying this. Positivity is very important in this examination. Maintain your positive bent of mind. Be calm.
डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट्स. अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, गिव योर 100%, सक्सेस विल श्योरली कम टू यू. एंड ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी ऑफ द एस्पिरेंट. सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है. आप सबसे सुनिए, यू कैन लर्न फ्रॉम देम. कुछ अच्छा अगर वो कर रहे हैं आप उसको इनकलकेट कीजिए, बट कंपेयर मत कीजिए. आपका कॉम्पिटिशन खुद से है. सो अपना प्रोग्रेस देखते रहिए एंड डू नॉट गेट वरीड कि वो कितना पढ़ रहे हैं या कैसे पढ़ रहे हैं. आप अपने ऊपर फेथ रखिए, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. ओके, सो अगेन लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम द एवरीवन साइड हु इज वाचिंग अस हियर. थैंक यू सो मच. ग्रेट टॉकिंग टू यू. Let's crack it, छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे.